नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है मनीष कुमार, आप देख रहे हैं हमारा पैथलैब चैनल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कि आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए, मेनली जब भी आपका कोई डॉक्टर ने टेस्ट एडवाइज़ किया है और आप टेस्ट करवाने जा रहे हैं, तो आपको जब भी किसी लैब में विजिट करते हैं तो आपको किन चीज़ों का मेनली ध्यान रखना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप कई बार डॉक्टर ने एडवाइज़ किया है आपको टेस्ट, और आप जो अपना स्लिप है वो लेकर किसी लैब में जाते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो जो टेस्ट आपको बता रहे हैं वो किस टाइम आपको कराने हैं, क्योंकि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन या तो आप अपने डॉक्टर से ले सकते हैं या फिर आप लैब में जाके पता कर सकते हैं कि भाई ये टेस्ट जो है किस टाइम होंगे, फास्टिंग में होंगे या कभी भी करा सकते हैं, तो वो आपको लैब जाने पे ही पता लगेगा। तो जैसा कि लैब में आपको बताया जाता है, जो भी टेक्नीशियन होगा रिसेप्शन पे जो भी होगा वो आपको बताएगा, प्रॉपर गाइड करेगा कि ये टेस्ट आपको कब करानी है, तो उसको आप अच्छे से सुने, अच्छे से ध्यान से उसको देखें कि वो आपको किस टाइम आने के लिए कह रहा है। कई बार क्या होता है कि छोटी लैब्स में आप कहीं चले जाते हैं तो वो आपको प्रॉपर गाइड नहीं करते हैं। जैसे कि लाइक हम लिपिड प्रोफाइल का ही ले लेते हैं, तो लिपिड प्रोफाइल के लिए वहाँ पे प्रॉपर आपको बताया नहीं जाता कि कितना आपको फास्टिंग में आना है, किस टाइम आपको डिनर करना है और किस टाइम, बस आपको कई बार ये बोल दिया जाता है कि आपको ये जो टेस्ट है वो फास्टिंग में कराना है। फास्टिंग में क्या मतलब है उसका कि आपको किस टाइम आना है? आप क्या करते हैं कि आप शाम को पूछ के गए या दिन में आपने टेस्ट का वहाँ पे कंफर्म किया, उन्होंने बोला कि भाई फास्टिंग में आना है, तो आप फास्टिंग में सुबह 7 बजे आप लैब पहुँच गए और जाके आपने सैंपल दे दिया। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपने रात को डिनर देखना है कितने बजे किया है आपने। आप डिनर ले रहे हैं रात को 8 बजे और सुबह सैंपल करा रहे हैं आप 7 बजे, तो वो 11 घंटे की फास्टिंग हो गई। या डिनर आपने रात को 10 बजे लिया, सुबह 8 बजे सैंपल करा, तो वो फास्टिंग आपकी 10 घंटे की मानी जाएगी। उससे आपका जो रिजल्ट है वो वेरिएशन कर सकता है, प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा उसमें। तो आपको प्रॉपर चीज़ों को समझना है, सुनना है कि किस टाइम जाना है, उसी हिसाब से आपको वो जो है सारे टेस्ट कराने हैं। जैसे कुछ टेस्ट में होता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन काफ़ी, जैसे कि ये फीमेल्स में कराया जाता है, तो वो क्या करते हैं कि सुबह आप सैंपल देने चले जाते हैं, फास्टिंग में चले जाते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ गाइडलाइंस हैं कि जो प्रोलैक्टिन टेस्ट है वो बिस्तर से आपके उठने के बाद यानी कि बिस्तर छोड़ने के 4 घंटे बाद ही होता है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है, पूछना है। कई बार टेक्नीशियन जो रिसेप्शनिस्ट है वो आपको बता नहीं पाते, तो आप उनसे 2 बार पूछें कि कोई इस तरह का टेस्ट तो नहीं है जो फास्टिंग में होगा या बिस्तर छोड़ने के 4 घंटे बाद होगा। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके लिए प्रॉपर आपको बताया जाता है, और कई बार उनसे भी मिस्टेक हो जाती है, कोई टेस्ट रह जाता है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो सुबह 8 से 10 बजे के बीच में होते हैं, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो सुबह 7 से 9 होते हैं, शाम को 3 से 5 होते हैं, तो उन टेस्टों के बारे में प्रॉपर आपको जानकारी लेनी है। दूसरा, कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका स्पेशल टेस्ट कोई डॉक्टर ने लिख दिया, वो एक पर्टिकुलर जो है प्रॉपर एक डेज पे लगता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं किसी भी टेस्ट के बारे में, HIV RNA है, तो डॉक्टर लाल पैथलैब क्या करती है कि वो जो टेस्ट होता है उसको एक वीक में 2 ही दिन वो प्रोसेसिंग होती है उसकी। तो आपने सैंपल मान लो दे दिया संडे को और वो टेस्ट लग रहा है आपका ट्यूसडे या वेडनसडे को, तो आप बेस्ट रहेगा कि आप नियर बाई लोकेशन पे हैं कहीं भी जाके पता कर लें, तो उसको एक दिन पहले देने की कोशिश करें, जिससे कि आपका जो है थोड़ा सा फ्रेश सैंपल, बाकी आप दे संडे को भी सकते हैं उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसको प्रॉपर वो टेम्परेचर पे रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, लेकिन आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप एक दिन पहले दें तो सैंपल की एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो टेक्नीशियंस हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि आप प्रॉपर से जो कस्टमर आते हैं उनको गाइड करें कि इस हिसाब से, किसी का भी गलत आप सैंपल ना लें, क्योंकि उसका सारा ट्रीटमेंट आप पे ही डिपेंड करता है, आप उसको जैसा बताएंगे वो उसी तरह से आएगा। तो उनको प्रॉपर बताएं कि सर इस टाइम आना है, इस टाइम सैंपल होगा, इस टाइम ये टेस्ट लगता है, इस टाइम इसकी रिपोर्ट आएगी, ये इसका प्राइस है, सारी पूरी इंफॉर्मेशन दें, ताकि जो पेशेंट है वो हमेशा वो आप पे बिलीव करेगा और आप पे वो पूरा विश्वास करके ही टेस्ट कराएगा, तो वो आपसे बना रहेगा, वो उसको लगेगा कि हाँ वहाँ पे प्रॉपर गाइड करते हैं। तो यही होता है एक अच्छी लैब का जो पूरा कंसेप्ट होता है, वो यही होता है कि वो अच्छे से गाइड करें पेशेंट को, अच्छे से उसको बताएं,
तो उसको पूरी जानकारी देंगे तो ही वो बार बार आपके पास आएगा और आपका कस्टमर जो है वो पेशेंट वो बना रहेगा। तो आपको भी जो टेक्नीशियंस हैं मैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि वो प्रॉपर जो है पेशेंट को हर चीज़ के बारे में पूरा डिटेल वाइज समझाएं। बाकी तो आपको मेनली यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कुछ चीज़ें आप अपनी सेफ्टी के लिए भी ध्यान रख सकते हैं, जो भी पेशेंट है जो भी टेस्ट कराना चाहते हैं कि जो टेक्नीशियन है वो प्रॉपर ग्लव्स वगैरह पहन के आपके सैंपल लें, क्योंकि इस टाइम जो है कोविड है, तो कोविड के चलते आप जो एजुकेटेड लोग्स हैं वो तो ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ जो गांव वगैरह से आते हैं तो वो भी इग्नोर कर जाते हैं और वो टेक्नीशियन भी इग्नोर कर जाता है। तो सैंपल वो प्रॉपर ग्लव्स वगैरह या विद सैनिटाइज शायद कई जगह नहीं लेते हैं। तो ये इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि सेफ्टी आपकी भी है और उनकी भी। दूसरा, जब भी आप टेस्ट कराने जाते हैं तो अपना अपना जो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है वो जब आप कराते हैं तो कई बार मिसमैच हो जाता है कि आप टेस्ट कराने आप अपने किसी फैमिली मेम्बर का गए हैं और आपने नाम पूरा डिटेल्स जो है अपना बता दिया। तो ऐसा नहीं करना है, आपने जिनका टेस्ट है उनका ही पूरा डिटेल्स बताना है और उनका ही रजिस्ट्रेशन कराना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। कई बार क्या होता है कि एज में डिफरेंट आ जाता है कि आप जब रिपोर्ट लेने जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी होता है, कई कस्टमर बोलते हैं कि इस नाम से हमें रिपोर्ट चाहिए। हम जैसे रिकन्फर्म करते हैं कि सर उनका एज क्या है, बोले 46, नहीं 46 नहीं है सर, इसमें तो 43 आ रहा है। तो प्रॉपर एज ही आया, आप जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हो सके जब तक आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है एंटर कराएं तो उससे एज का जो है मिसमैच नहीं होगा। तो वीडियो में यही बताना था कि आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपके रिजल्ट पे वेरिएशन ना पड़े, आपका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर आए। और जो भी आपके टेस्ट हैं जो आपके डॉक्टर ने एडवाइज़ किए हैं उसी हिसाब से भी कराने आपको। कई बार क्या है कि डॉक्टर बोल देता है कि फास्टिंग में ही कराना है और लेकिन उसकी फास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलें। उस टाइम आप लैब में जाएंगे, लैब वाले बोले कि सर फास्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कभी भी करा सकते हैं, लेकिन आपके डॉक्टर को चाहिए कि वो फास्टिंग में ही कराए, तो आपको वो टेस्ट फास्टिंग में ही कराना है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना।